अब हमें पता है कि अगर हम फोर्स ना लगाएं किसी एंगल पे या ऐसे फोर्स ना लगाएं, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और मान लो ये सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं है, रफ सरफेस होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि तब तो नेगेटिव वर्क डन होगा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस के अलोंग लगता है, ठीक है, तो ये स्मूथ सरफेस है, तो हमें पता है कि यहां भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ना तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, ना तो वेलोसिटी के अपोजिट कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन और 5g, नॉर्मल रिएक्शन 5g के बराबर है, मगर दोनों अलग अलग फोर्स है, यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, ये नहीं कहोगे कि खाली 5g का वर्क डन कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल रिएक्शन का अलग कैलकुलेट करोगे। तो अगर तुम्हें इसमें टेक्निकली बताऊं तो यहाँ पे तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही मान लो, 1 मीटर का ही मान लो जो पहले लिया था, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले लो, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन अलग होगा, है उसको टेक्निकली लिखोगे एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंटू कॉस 90 डिग्री। मैं इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला तो मैं आई थिंक याद हो गया होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन इसमें 5g के बराबर है, वो अलग बात है उसको नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, ठीक है, और कॉस 90, तो कुछ भी वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली अगर हम mg का वर्क डन लेते हैं, तो मैं लिख अलग रहा हूं, देखना 5g का वर्क डन, तो ये हो जाएगा 5g, वो अलग बात है कि n की वैल्यू 5g के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट फिर से 1 मीटर और कॉस 90, दैट इज 0। तो इन दोनों का वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो अभी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी 0, वो तुम चेक भी कर सकते हो यहां पे आराम से, हाफ एम वी स्क्वायर दोनों जगह सेम आ जाएगा। तो 0 वर्क डन का मतलब है अगर टोटल वर्क डन 0 है या किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन 0 है, ये दोनों के लिए वैलिड है, कोई पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन 0 है या टोटल वर्क डन 0 है, तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी।